हेलो फ्रेंड्स, टेली आरपी 9 में आज हम डिलीवरी नोट्स, रिजेक्शन इन एंड सेल्स इनवॉइस ऑप्शन सीखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली की एक विंडो दिखा रहे हैं जिसमें हमें डिलीवरी नोट आज सीखना है। डिलीवरी नोट यानी क्या होता है कि जब कस्टमर ने कोई गुड्स बुक करवाए हैं क्रेडिट बेस पे, तो हमें उसके साथ में नोट भेजना रहता है। तो उसके लिए सबसे पहले F11 की पे प्रेस करके हम डिलीवरी नोट्स ऑप्शन ओपन करेंगे। कंपनी फीचर्स में, इन्वेंटरी फीचर्स में हम जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है अदर फीचर्स में, यूज़ ट्रैकिंग नंबर और डिलीवरी रिसिप्ट नोट। हम यहाँ पे यस करेंगे। यस करके हमने उसको एक्सेप्ट करवा लिया। जब हमें कस्टमर ने ऑर्डर दिया है, अगर हम वो ऑर्डर को फुलफ़िल कर रहे हैं और वो ऑर्डर हम उस कस्टमर को डिस्पैच कर रहे हैं यानी उनको भेज रहे हैं, तो उनके साथ में हम जो नोट भेजते हैं उसको डिलीवरी नोट कहते हैं। तो इन्वेंटरी वाउचर में जाके हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिलीवरी नोट एक्टिवेटेड बता रहा है। अगर नहीं एक्टिवेटेड है तो स्क्रीन के राइट हैंड साइड में ऑल्ट के साथ आप F8 की की दी हुई है जो डिलीवरी नोट एक्टिवेट करती है। पार्टी नेम आपको दिया है मिस्टर राम शर्मा, जिन्होंने हमें ऑर्डर दिया था, तो हमें उनकी डिलीवरी नोट बनानी है कि हमने उनको गुड्स डिलीवर्ड किए हैं। ट्रैकिंग नंबर हमें नया जनरेट करना है, तो हम यहाँ से नया जनरेट करेंगे। ऑर्डर नंबर 101 हमने डाला और अभी हम उसको एक्सेप्ट करवा देंगे। लेजर्स में हम डालेंगे सेल्स लेजर, उन्होंने जो गुड्स परचेज किए थे वो गुड्स डालेंगे। जैसे कि आइटम 1 है, ऑर्डर नंबर सपोज़ कि उनका 01 है, तो हम यहाँ पे 01 डाल रहे हैं। न्यू नंबर क्रिएट करके हम डालेंगे 01। उसके बाद नंबर ऑफ़ डेज, कितने डेज में वो अमाउंट पे करेंगे, वो नंबर ऑफ़ डेज मतलब हम कितने दिनों की वैलिडिटी देते हैं वो। क्वांटिटी सपोज़ कि उन्होंने 10 क्वांटिटी ली है और अभी हम उनको रेट, हमने रेट डिफाइन नहीं किया, अगेन हम बैकस्पेस करके रेट डिफाइन करेंगे। नहीं, 10 क्वांटिटी ली है एट द रेट ऑफ 250। अभी बाकी की ट्रांजैक्शन में हम यहां से एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। बैकस्पेस करिए और एंड लिस्ट कर दीजिए और अभी हम इसको एक्सेप्ट करवा देंगे। अगेन उन्होंने सेकेंड आइटम परचेज की है, तो आइटम नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे, उसका भी ट्रैकिंग नंबर जनरेट करेंगे। तो न्यू नंबर में जाएंगे, इसका ट्रैकिंग नंबर है 2। ऑर्डर नंबर है तो ऑर्डर नंबर भी हमें जनरेट करना है, तो ऑल्ट सी यानी कि न्यू नंबर 02 करेंगे। नंबर ऑफ डेज, जितने डेज में वो पेमेंट करेगा, 230 डेज की वैलिडिटी दी है। क्वान्टिटी 4 क्वान्टिटी एट द रेट ऑफ, आपको रेट डिफाइन किया है 120, तो हम यहाँ से 120 करेंगे और इसको एंड लिस्ट करवा देंगे। इस तरह से हमने डिलीवरी नोट मिस्टर राम शर्मा को गुड्स के साथ में भेजा है। डिलीवरी नोट जब हमने गुड्स डिस्पैच किए यानी कि उनके ऑर्डर के हिसाब से हमने उनको गुड्स ट्रांसफ़र कर दिए यानी कि वो गुड्स उनको मिल गए हैं, उनके साथ साथ में आपको एक नोट देनी रहती है कि उनमें कौन कौन से गुड्स थे, क्या अमाउंट थी उनकी, कितनी क्वान्टिटी थी, कितना रेट था पर क्वान्टिटी, कितना रेट था, वो सारी की सारी डिटेल डिलीवरी नोट्स में डाली हुई रहती है। तो यहाँ पे भी हमने जो डिलीवरी नोट सेंड किया है, जो मिस्टर शर्मा ने गुड्स सिलेक्ट किए थे, वो गुड्स के साथ में हमने उनको डिलीवरी नोट सेंड किया है। उसके बाद आप पढ़ोगे नेक्स्ट है रिजेक्शन। रिजेक्शन ये होता है कि सपोज़ के कस्टमर ने गुड्स बुक करवाए हैं, उसके बाद हमने उनको गुड्स डिलीवर किए हैं और उनके साथ में हमने डिलीवरी नोट भी भेजा है, लेकिन कुछ रीज़न थ्रू गुड्स अगर किसी खराबी की वजह से कस्टमर वापस कर रहा है, यानी कि हमने सेल किया है और कस्टमर हमें गुड्स वापस कर रहा है किसी रीज़न थ्रू, गुड्स की खराबी के थ्रू, तो हम उसे डालेंगे रिजेक्शन इन में, यानी कि गुड्स जो कस्टमर ने रिजेक्ट करके वापस भेजे हैं तो हम उसको रिजेक्शन इन में डालेंगे। अगर हमने किसी से परचेस किए गुड्स और हम उनको वापस कर रहे हैं तो हम उसको रिजेक्शन आउट में डालेंगे। तो इसीलिए अभी हम नेक्स्ट मूव करेंगे
रिजेक्शन इन एक्टिवेट करने के लिए कंपनी फीचर्स में F11 प्रेस करेंगे और इन्वेंटरी फीचर्स हम यहाँ से अदर्स में रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड यस करके एक्सेप्ट करवा देंगे। अभी हम एस्केप करके इन्वेंटरी वाउचर्स में यहाँ पे स्क्रीन के राइट हैंड साइड में आपको दो ऑप्शन दिए हैं, रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट। इन यानी जब हमने सेल किया है और गुड्स वापस आ रहे हैं तो इन होगा, तो हम इन पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमने जो गुड्स मिस्टर शर्मा को भेजे थे किसी रीज़न थ्रू उन्होंने वापस भेजे हैं। और यहाँ पे आपको सबसे पहले दिया है लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट में आपको पार्टी नेम देना है मिस्टर राम शर्मा। और यहाँ पे जो भी आइटम उन्होंने वापस भेजी है ट्रैकिंग नंबर से हम उनको जनरेट कर सकते हैं। 5 क्वांटिटी उन्होंने वापस भेजी है, टोटल 10 क्वांटिटी वो उनको हमने सेल की थी उसमें से उन्होंने 5 क्वांटिटी हमें वापस भेजी है, तो हमने यहाँ पे डाल दी 5 क्वांटिटी रिजेक्शन इन नोट में और हम उसको एक्सेप्ट करवा देंगे। उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन दिया है रिजेक्शन आउट का। रिजेक्शन आउट के लिए ऑल्ट के साथ F6 दिया है, उस पर क्लिक करोगे तो इस तरह की एक विंडो ओपन होगी, ये है रिजेक्शन आउट की विंडो। यानी कि जब हमने किसी के पास से गुड्स परचेस किए हैं और उसको किसी रीज़न थ्रू वापस किए हैं तब हम रिजेक्शन आउट में एंट्री करेंगे। अभी हम एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में अभी हम सेल्स वाउचर में एंट्री करेंगे, F8 प्रेस करेंगे तो इस तरह से सेल्स वाउचर ओपन हो जाएगा जिसमें पार्टी नेम मिस्टर राम, ट्रैकिंग नंबर हम सिलेक्ट करेंगे, सॉरी डिलीवरी नोट नंबर हम सिलेक्ट करेंगे, लेजर में हम सेल्स लेजर और आइटम जो भी आइटम ट्रैकिंग नंबर थ्रू हमने जनरेट किए वो आइटम सिलेक्ट करेंगे, ट्रैकिंग नंबर 1 और ट्रैकिंग नंबर 2। आप देख सकते हो ट्रैकिंग नंबर 1 में हमने टोटल 10 क्वांटिटी डाली थी, यहाँ पे 5 क्वांटिटी ही बता रहा है। क्यों? क्योंकि रिजेक्शन इन में उन्होंने 5 क्वांटिटी वापस दी है, यानी कि 5 क्वांटिटी हमारे पास वापस आई है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे देखा कि रिजेक्शन इनकी एंट्री से 5 क्वांटिटी ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो गई। तो इस तरह से हम रिजेक्शन इन की मदद से एंट्रीज पास आउट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन्स जो वापस आए हुए गुड्स हैं उनकी मेंटेन हो सकती है। अभी हम एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। अभी हम नेक्स्ट इन्वेंटरी वाउचर में जाते हैं जो हमने ट्रांजेक्शन पास आउट की, अगर हमें उनको देखना है तो कीबोर्ड से पेज अप की प्रेस करके भी हम देख सकते हैं। आप देख सकते हो जैसे हमने पेज अप की प्रेस की सारी ही डिटेल आपको दिखा रहा है, डिलीवरी नोट दिखा रहा है। अगर प्रिंट करना है ऑल के साथ पी प्रेस करोगे तो प्रिंट ऑप्शन, प्रिंट वाउचर ऑप्शन भी खुलेगा, एंटर किया तो इस तरह का प्रिंट वाउचर आ रहा है। जूम करोगे तो डिलीवरी नोट जूम होके आपको दिखाएगा कि जो भी आइटम जिस पार्टी से जिस पार्टी ने परचेस किए सारी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। इस तरह से हम डिलीवरी नोट जनरेट कर सकते हैं। एस्केप करके हम बाहर आएंगे। उसके बाद अभी हम डिस्प्ले में जाएंगे। रिपोर्ट में आपको डिस्प्ले पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे हम डे बुक में जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे डिलीवरी नोट दिखा रहा है, जो हमने डिलीवरी नोट बनाई थी वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। उसी तरह से आपको सेकंड रिजेक्शन इन नोट भी दिखा रहा है, जो हमने रिजेक्शन इन नोट बनाई थी वो भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरह से हम डिलीवरी नोट, सेल्स वाउचर और रिजेक्शन इन वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू।